दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सिंचाई विभाग की बम्पर भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, 1904 खाली पदों को जल्द ही भरने की तैयारी है। इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्या इस भर्ती के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सिंचाई विभाग भर्ती 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें जूनियर इंजीनियर जेई की। जेई के लिए यहाँ पर 1904 वैकेंसीज निकली है। सैलरी 9300 से 34800 है, 4200 ग्रेड पे है। बात अगर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 225 है, एससीएसटी के लिए 105 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 25 रुपये है। सिलेक्शन की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। UP SSC.gov.in इस गवर्नमेंट पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की जल्द ही अपडेट की जाएगी। दोस्तों यहां पर आप इसके शॉर्ट न्यूज पेपर की कटिंग रीड कर सकते हो। जेई के 1904 खाली पदों को जल्द भरने की तैयारी है। यहां पर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हो हिंदी में। सिंचाई विभाग में जेई सिविल एवं मैकेनिकल के 1904 खाली पदों पर जल्द ही भर्ती होने जा रही है। जी दोस्तों, दोनों संवर्गों के रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। विभागीय स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद खाली पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अभियाचन भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों की माने तो 1.5 साल पूर्व भी विभाग की ओर से आयोग को सिविल संवर्ग के जेई के 554 पदों पर चयन कराने के लिए अभियाचन भेजा गया था, जिस पर प्रक्रिया अभी लंबित है। जबकि 2013 के अभियाचन के आधार पर 2020 में आयोग ने 1447 चयनितों की सूची विभाग को भेजी है। इन सभी चयनितों को ज्वाइन करने की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। अलमता 1.5 वर्ष पूर्व सिविल के 554 पदों पर यहां पर चयन के लिए भेजे गए अभियाचन के साथ वर्तमान में रिक्त सिविल के 886 और मैकेनिकल के 464 रिक्त पदों को एक साथ संयुक्त रूप से भरने के लिए विभाग आयोग से अपील करने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, यहां पर 1904 रिक्त पदों पर जल्द बहाली शुरू होने जा रही है। 1447 पदों पर परिणाम 7 साल बाद घोषित किया गया है, भरे जा रहे हैं ये पद, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। चयन के लिए योग्यता यहाँ पर जे सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, जे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियर में यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। ग्रेड पे 42 है। यहां पर आप देख सकते हो कंप्लीट डिटेल्स आपको दी गई है। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों यहां पर आपको लिंक दिया गया, इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन है अप्लाई करने के लिए, आप इसे अप्लाई कर सकते हो जब से आवेदन स्टार्ट होंगे और पीडीएफ भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो जब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर सिंचाई विभाग में 1904 जेई के साथ साथ में और भी वैकेंसीज होने जा रही है। यहां पर सिंचाई विभाग में नलकूप चालक, लिपिक, सिंचपाल, सिंच पर्यवेक्षक, जिलेदार और साथ साथ कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी, इनके लिए भी यहां पर 14367 वैकेंसीज पर भर्ती होने जा रही है। 10वीं 12वीं डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में ऑनलाइन से आप आवेदन कर सकते हो। 14000 से अधिक पदों पर सिंचाई विभाग में ये भी भर्ती होने जा रही है, इसकी भी आप कंप्लीट डिटेल यहां से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।